जैसा कि आपको पता ही है कि दिसंबर के बाद कोई भी राइड नहीं हुई, सो इस मंथ होने वाली है एक राइड, 500-600 किलोमीटर की राइड होगी वन साइडेड, तो आना जाना 1900 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसी एक राइड कर रहे हैं छोटी सी 2 दिन की, लेकिन उससे पहले क्या है कि हर राइड से पहले ना हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, चाहे हमारे पास जितना मर्जी सामान हो कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है राइड से पहले, क्योंकि जब राइड करके आते हैं ना तो तब पता चलता है कि क्या चीज़ की कमी है हमारे पास इस टाइम। और उससे पहले लोकल चलाने के लिए कोई कमी वमी नहीं है, सब कुछ वेल फिटेड है टचवुड बाइक में, तो एक दो फिटिंग्स ऐसी हैं जो करवानी पड़ती हैं राइड से पहले, तो आज वही करवाने जा रहे हैं। और फिटिंग नहीं, उसको मॉडिफिकेशन ज़्यादा बोलूँगा मैं, फिटिंग कम, क्योंकि एक तरह से मोड है वो, तो मॉडिफिकेशन करा रहे हैं क्लासिक पे। और क्या वो मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं और कहाँ से करवा रहा हूँ ये सब आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, जैसे जैसे व्लॉग हमारा आगे चलता रहेगा, और उसकी कॉस्टिंग भी आपको बताऊँगा। और वो भाई जो मोड करवाने वाला हूँ ना मैं आज, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हाईवे राइड्स पे, तो क्या क्या है वो सब और कहाँ से करवाऊँगा उस सब को देखने के लिए बने रहो। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को कर दो ऑल पे सेट, ताकि आने वाले जो भी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ पुनीत एंड यू आर वॉचिंग पिया व्लॉग्स। सो वो मॉडिफिकेशन का सामान लेने के लिए भाई पहुंच गए हैं हम अपनी सबसे फेवरेट शॉप पे, मोटरसाइकिल एम्पोरियम कृष्णा नगर। वो सिर्फ यहीं पर पार्ट अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल भी नहीं है। और अभी आपको दिखाते हैं, ये रहा यश, ये दूसरा यश है। जो आपने सीन देखा अभी वो कल का था, मैंने लिया है रॉयल एनफील्ड का सामान। तो गुरमीत भाई दे रहे थे गोलियां इतने दिन से, आज पकड़ में आए। कई कितने दिन हो गए गोलियां देने? काली तो दिखती है, कल तो नमी देती है ना, काली दिखती है, बाकी दो तीन ही आए थे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, अंदर से निकली है ये विंडशील्ड, रॉयल एनफील्ड हिमालयन की जेन्युइन स्पेयर पार्ट है। कहीं नहीं मिल रहा था ये, सिर्फ एक ही शॉप पे था जहाँ से मैं कल लेके आया, वहाँ पे मोटरसाइकिल एम्पोरियम पे, तो वहाँ से मिला ये। सो अभी करा रहे हैं यहाँ पे हम फिटिंग हिमालयन की विंडशील्ड क्लासिक के ऊपर, जो कि मॉडिफिकेशन मैंने करवानी थी अपने नेक्स्ट ट्रिप से पहले। नेक्स्ट ट्रिप आने वाली है बहुत जल्दी आउट ऑफ दिल्ली की, ये हमारी फर्स्ट ट्रिप होगी 2022 में, और बहुत वेट करी है इसकी, बहुत प्लानिंग करी है, होपफुली अच्छी जाए। और तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गए जाने से पहले, जो नेक्स्ट राइड्स आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो हिट ऑल पे, सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम मेरी आईडी यहाँ पे नीचे आ रही होगी। सो इसकी फिटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे नंबर प्लेट की बैक साइड से यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गई पत्ती दोनों साइड से, और दूसरी साइड की गुरमीत भाई फिट कर रहे हैं आज। बड़ी मुश्किल से मुहूर्त निकला हमारी गाड़ी का, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं मेन जो सपोर्ट जाएगी पूरी विंडशील्ड को उसकी, तो उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। साइज ले रहे हैं और साइज लेने के बाद होगी कटिंग इसकी। तो ये जो पूरा सेटअप है ना हिमालयन में आता है लोहे की पाइप में, लेकिन गुरमीत भाई हमारा कर रहे हैं सारा स्टील में। सो 18x5 mm की पत्ती है ये स्टील की, जिसपे हम कर रहे हैं पूरा सेटअप। 304 ग्रेड की स्टील है ये, जो कि स्टेनलेस स्टील होता है, और मोस्टली यही यूज़ होता है इसमें। लगाने का बेनिफिट ये है कि इस पर जंग नहीं आएगा टाइम के साथ। जैसे मैंने पहले एक विंडशील्ड लगवाई थी ना, तो उसके क्लैंप थे क्रोम में, लेकिन वो थे लोहे में, और उस पर भाई जंग आ गया था और मेरा हैंडल भी ख़राब कर दिया था उन्होंने। तो बड़ी मुश्किल से हैंडल क्लीन वगैरह करा है, वहाँ से अच्छे से बफ करा है, तो थोड़ा सा
बेटर हुआ पहले से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज हैं उसके, और इसीलिए अब गुरमीत भाई का कहना यह था कि स्टील में करेंगे तो जंग नहीं लगेगा और लाइफ इसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि हर तरह के वेदर में बाइक चलनी है और विंडशील्ड आगे लगने से ना लुक इसकी अच्छी सी आ जाएगी, थोड़ी राइडर वाली लुक हो जाएगी। और विंडशील्ड किस लिए लगा रहा हूँ ना, लगाने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर और भी बड़ा सामान लगाना है विंडशील्ड के पीछे, और वो दिखाने के लिए ना आपको पहले बाइक रेडी कर ले, हम फिर दिखाएंगे वो क्या क्या करना है उसमें। बहुत बार लगाने और तोड़ने के बाद अब जाके थोड़ा सा सेंटर मिला है इसका, तो एक बार बाहर से लुक दिखाते हो आपको, देखते हो और बताओ कैसा लग रहा है। ऐसा साया इसका कुछ सेंटर, देख के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। अभी फाइनल इसका करना बाकी है, देखने में भाई काम छोटा सा लग रहा है, लेकिन हमें भी लगे हुए 2 घंटे हो गए इसमें और अभी काम रहता है, फाइनल हुआ नहीं है। अभी फाइनल करने में इसमें अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएगा हमें आराम से, क्योंकि तसल्ली नहीं होती हमारी जल्दी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो विंडशील्ड फिट हो गया है और अब यहाँ पे कर रहे हैं हम जो साइड के उसके नट बोल्ट लगने ना, उसके लिए पत्ती काट रहे हैं, और एक बार वो कटिंग कर दे और फिर विंडशील्ड फाइनल हो जाएगी और फिर रह जाएगी फिर फिनिशिंग, वो करके सारा काम फाइनल करके भाई 8 बज जाएंगे आज भी ऑलमोस्ट। तो बाकी काम होगा कल, जो कराना है मार्केट से लाइट फिटमेंट करानी है या इस पर जो हमने अपना चैनल वगैरह सब लिखवाना है वो सब बाद में होगा। और पत्तियां काट ली हमारे बात करते करते भैया ने, और बस उन पर ड्रिल करके एक बार मेजरमेंट ले रहे हैं और दोनों साइड की पत्तियां कट जाएंगी, और फिर लाइट जो फिट करनी है ना छोटी वाली लाइट्स लेके आऊँ मैं, वो भी आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में, तो वो वाली लाइट्स फिट करवानी है तो उसके लिए भी एक पत्ती इसी पे वेल्ड करवा लेंगे ताकि परमानेंट रहे काम और हिलने का कोई झंझट ना रहे। तो उसके साथ फिर अपना काम जो है फाइनल हो जाए, और अगली राइड जो आने वाली है उसके लिए हो रही है तैयारियां सारी, और राइड के जो ब्लॉग्स आए हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसके लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दो ऑल पे, और लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, नीचे चैनल नेम आ रहा होगा मेरा। सो साइड बोल्ट्स की फिटिंग का अरेंजमेंट हो गया है, सारे मेजरमेंट्स के बाद अब फिटिंग प्रॉपरली हो गई है, तो अब इसको कर रहे हैं वेल्ड। वेल्डिंग आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ मैं, तो भाई ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मेहनत के बाद ना अब फिनिशिंग होने जा रही है, और 10-15 मिनट इसमें भी लगेंगे, और टाइम हो गया है 8:30, 5 बजे से हम लगे हैं, 4 बजे शुरू करना था प्रोग्राम लेकिन डिले होते होते
पाँच बजे हुआ और अब बज गया 8:30 और अभी दबाक गालियाँ पड़ने वाली हैं घर जाके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसके लिए भी रेडी है, ब्लॉग नहीं शूट करेंगे, थोड़ी सी इज्जत बचा के रखेंगे अभी बाद के लिए, बाद में उतरवाएंगे इज्जत अच्छे से। अभी कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, ऐसा गलत कंटेंट कोई नहीं दिखाएंगे अभी। डीमोटिवेट नहीं करना हमने नए यूट्यूबर्स को, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी गालियाँ खानी पड़ती है और लोग कह देते हैं भाई वेले घूम रहे हो। तो अब फिनिशिंग स्टार्ट होगी, अब मैं आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ इसकी कैसे करनी है। प्रॉपर बफ बफ करके इसको अच्छे से चमका के देंगे अब और फिटिंग कर देंगे इसकी। जो लाइट आपको दिख रही है थोड़ी बहुत, इसके फाइनल, इसमें जो फाइनल टचअप्स रहते हैं वेल्डिंग के, तो वो हो रहे हैं अभी और उसके बाद फिनिशिंग स्टार्ट हो रही है। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a man, a septic. तो दिस इज़ द फाइनल लुक जो आई है विंडशील्ड लगाने के बाद, और बड़ी कमाल की विंडशील्ड लग रही है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी ब्रांडिंग वगैरह करने के बाद, अपना चैनल का नाम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी वगैरह सब लिखनी है यहाँ पे। और एक नट बोल्ट ना इसका यहाँ पे भी है, तो उसको मैंने कवर करने के लिए ऊपर स्टिकर लगा दिया। और अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, अंदर ये पूरा पाइप जो आपको दिखाया था, अंदर जो पूरी पत्ती फिटिंग कराई है हमने यहाँ तक, तो इस पर दो तरह के फिटिंग्स कराई हैं मैंने। ये देखो टिड्डा सा राइडर हमारा, पीछे हो जाओ एक मिनट। और यहाँ पे कराया मैंने मोटो वॉल्फ को लगवाया चार्जर, और यहाँ पे मैंने माउंट करवाया हुआ जो ये गोप्रो के लिए माउंट लगाया है। तो मैंने गोप्रो का माउंट लगाना था और इसको लगाना था, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने पाइप लिया 1 इंच का, जिसको इस पे वेल्ड करवाया, और एक पाइप नीचे की तरफ है ताकि मुझे एक्स्ट्रा कभी कोई चीज लगानी हो, माउंट लगाना हो, तो वो भी लग जाए। तो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये फिटिंग आपको कैसी लगी हिमालयन की जो मैंने इस पे कराई है। प्लस मैंने छोटी सी लाइट्स भी लगवाई हैं यहाँ पे, और ये इनकी भी लाइट काफ़ी अच्छी है, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देखी भी है, यश की बाइक में भी लगी हुई है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये फिटिंग कैसी लगी। और जैविक आप सबको करने वाला है, बाय बाय, टेक केयर।
देना अभी आपको, और टाइम को क्या करना।